हम लड़कों का घर पर ज्यादा रहना पाप है क्योंकि हम लड़के हैं, अपने ही घर को चलाने के लिए अपना ही घर छोड़ना पड़ता है। आज से एक साल पहले किसी ने मुझे बोला था कि मेरा ड्रेसिंग सेंस बच्चों की तरह है, तो मैंने इस बात को दिल पर लेकर अपने सारे कपड़े ही बदल दिए। फिलहाल मैं अपने सारे सामान की पैकिंग करके बाय रोड अपने कॉलेज जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरा कॉलेज अभी खत्म नहीं हुआ है और मन तो कर रहा है कि ना ही हो तो क्या बैग लगवा लूँ। जोक्स असाइड, ड्राइवर्स के स्ट्राइक की वजह से मैंने पेट्रोल का स्टॉक रखा था जिसे मैं ब्लैक में बेचना चाह रहा था, पर स्ट्राइक खत्म होने के बाद अब ये मेरे ही काम आ रहा है। मगर ये कैसे नशे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? एकदम कड़क माल। और फिर फुल टैंक होने के बाद फ्लैक्स करता हुआ मैं, अरे यार ये भी कितना गंदा हो गया यार, कितना गंदा हो रहा है। अम्मा बहन पे आ जाओ। फिर माता श्री का आशीर्वाद लेकर मैं निकल पड़ा फिर से एक और नई जर्नी पर। मगर तभी रास्ते में बारिश होने लगी और मुझे इन दादाजी के यहाँ दो पल का रेस्ट लेना पड़ा। इतनी डेडिकेशन से भीगते भिगाते मैं दो दिन पहले ही कॉलेज आया केवल इन कमीनों के लिए, क्योंकि अभी ये कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं। तो इनके साथ थोड़ा और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए मैं इनके साथ ट्राइबल म्यूजियम आ जाता हूँ। यहाँ इंडिया के डिफरेंट ट्राइब से कलेक्ट की हुई बहुत सारी कारीगरी थी, पर मेरी फेवरेट थी ये वाली। तेरी कुर्सी मिल गई भाई। क्या कारीगरी है? ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बाकी डू सब्सक्राइब फॉर मोर।